शादी चाहे घर में हो या किसी रिश्तेदार की हो या किसी फ्रेंड की हो, आधा टाइम तो ये सोच में निकल जाता है कि किस पर्टिकुलर इवेंट के लिए क्या ड्रेसअप होना चाहिए, क्या हेयर स्टाइल होना चाहिए, क्या कैसे हुआ ना, बड़ी कन्फ्यूज़न रहती है। आज के वीडियो बहुत ही स्पेशल होने वाला है और आई नो आप लोगों को पसंद आने वाला है, क्योंकि मैंने डिफरेंट डिफरेंट लुक शेयर कर रही हूँ आपके साथ और सभी बहुत ही ज़्यादा यूनिक हैं, ब्यूटीफुल हैं। लेट्स मूव ऑन द वीडियो। लुक नंबर वन में आप देखिएगा कि कलर कितना प्यारा है। यू नो, अगर आपका कलर बहुत ज़्यादा फेयर भी नहीं है तभी ये कलर ऐसा है कि इसको पहनने के बाद आपका कलर फेयर लगता है। एंड पूरा गेटअप है आपका, हेयर स्टाइल से लेके आपका ज्वेलरी तक, पूरा गेटअप आपको बिल्कुल रेडीमेड मिलता है। आप शायद तो सेम कॉपी कर सकते हैं। सेकंड लुक की अगर मैं बात करूँ तो बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है। आपने देखा होगा दीपिका पादुकोण ने भी अपने रिसेप्शन में भी कुछ इसी तरह का लुक कैरी किया था, एंड जैसा कि पिक्चर में दिख रहा है। एंड सेकंड अगर बात करूँ तो अनुष्का शर्मा ने भी कुछ इसी तरह का बनारसी साड़ी के साथ में लुक क्रिएट किया था, क्योंकि बनारसी साड़ी क्या है, कभी भी आउट ऑफ फैशन नहीं होती है। तो आप चाहें तो बहुत सारे इवेंट में से एक इवेंट में ये वाला लुक कैरी कर सकते हैं। लुक नंबर थ्री की मैं बात करूँ तो आप देख सकते हैं ना कितना डिसेंट, कितना क्लासी लग रहा है। अगर मैं गजरे की बात करूँ तो गजरा बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है, लेकिन आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है, आप जब भी गजरा ले रहे हैं इट शुड बी गुड इन क्वालिटी। क्वालिटी का आप अगर ध्यान रखते हैं तो वो आपका काफ़ी लॉन्ग टाइम के लिए चलने वाला है। तो एंड रियल भी लगता है समटाइम्स, अगर थोड़ा अच्छा वाला गजरा ले लेते हैं ना तो बिल्कुल उसमें रियल गजरे की फील आती है। फ्रेंड्स माइंड मत करना, मेरा गला ख़राब है तो झेल लेना आज के लिए, ऐसे ही मेरी आवाज़ ख़राब हो रही है, गले में थोड़ी प्रॉब्लम चल रही है। लुक नंबर फोर में आप देखेंगे कि दो लुक आप शेयर किए हुए हैं, तो अगर आप नंद और भाभी वाला सीन है आपके घर में तो बड़ा सही वाला लुक है। अगर आप भाभी हैं तो आप इस तरह का लुक कैरी कर सकती हैं, आप ननद हैं तो इस तरह का लुक कैरी कर सकती हैं। थोड़ा सा वैसे कोई भी कुछ भी कर सकता है, दोनों ही लोग दोनों पे जा सकते हैं, लेकिन काफ़ी एक अच्छा कॉम्बिनेशन है पे मुझे ये लगा। लेकिन आप थोड़ा भीड़ से डिफरेंट दिखना चाहती हैं ना, आपकी चॉइस थोड़ी अलग है, आपको नहीं पसंद है बहुत ज़्यादा हैवी लुक कैरी करना, तो दिस वन इज़ बेस्ट ऑप्शन। यू नो, काफ़ी क्लासी एंड रॉयल लुक लगता है, मुझे तो बहुत पसंद है। आप बताना आपको ये लुक कैसा लगा। नेक्स्ट लुक की हम बात करें तो ये भी काफ़ी डिसेंट एंड क्लासी लगता है। आप देख रहे हो ना सिंपल वही सिल्क की साड़ी है। मैंने आपको बताया ना कुछ फैब्रिक ऐसे होते हैं वो कभी भी आउट ऑफ फैशन नहीं होते, लाइक सिल्क हो गया, कांजीवरम हो गया, ब्रोकेड फैब्रिक हो गया। आप देखिए सिंपल सिल्क की साड़ी है, आप चाहें तो अपने गोल्ड की ज्वेलरी जो हमेशा नो रखी रहती है तो उसको आप यूज़ कर सकते हैं इस वाले लुक के साथ में। बताइएगा आपको ये लुक कैसा लगा। मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट लुक की तरफ। आप देखिए सिंपल साड़ी है एंड कंट्रास्ट यहाँ पर मैचिंग की गई है, कंट्रास्ट कॉम्बिनेशन है और काफ़ी अच्छा लगेगा ये वाला लुक। आपने हैवी इयरिंग लेने हैं और हेयर स्टाइल की बात करूँ तो कुछ नहीं करना है, सिंपल पीछे आपने बन बनाना है और उसके ऊपर आपने गजरा रैप कर लेना है ना, इजी एंड टाइम सेविंग। फ्रेंड्स इस लुक की मैं बात करूं तो आप देख रहे हैं ना फिर से वही बनारसी कांजीवरम साड़ी का कभी भी फैशन आउट नहीं होता है और दिस वन इज़ ऑसम। अगर आप सर पे पल्ला भी लेते हैं तो उसके बाद भी इस लुक को कैरी करने के बाद आप बिल्कुल रॉक लगने वाले हैं। फ्रेंड्स इसमें पर्टिकुलर लुक की बात करूँ तो यहाँ पर ये मेरी खुद की पिक है और इस साड़ी को मैंने डिफरेंट डिफरेंट वे में कई बार यूज़ किया है क्योंकि मुझे बहुत पसंद है। जैसे आप देख रहे हैं कि मुझे थोड़ा डिफरेंट चाहिए था, मैंने पीछे सर पे भी लिया हुआ है एंड बाल खुले रखे हैं एंड अपने बालों को मैं हल्का सा एक्सरसाइज यूज़ की है। आप चाहें तो ये वाला लुक भी कैरी कर सकते हैं, ये भी मेरी खुद की पिक है। अगर आप नो आप इंगेजमेंट के लिए कुछ लुक चाह रहे हैं तो ये एक लुक काफ़ी अच्छा हो सकता है, अगर आपको पसंद आए तो। अगेन आप दुल्हन की फ्रेंड हैं और आपको नो थोड़ा डिफरेंट दिखना है, सिंपल वे में कुछ चाहिए तो दिस वन इज़ बेस्ट, क्योंकि कलर कॉम्बिनेशन ऑसम है। गोल्डन कलर का ब्लाउज है एंड मैजेंटा कलर की साड़ी है। एंड इस लुक की बात करूँ तो ये लुक मुझे पर्सनली बहुत ही पसंद आया है, काफ़ी क्लासी है, डिसेंट है, एकदम रॉयल लगता है। कलर की मैं बात करूँ तो इस कलर में अपने आप ही नो आपका कलर अलग ही निकल के आता है और कंप्लीट लुक है, आपको कुछ भी अलग से नहीं करना है। फ्रेंड्स अगर आप अपने लिए पर्टिकुलर कुछ लुक चाह रहे हैं किसी फंक्शन के लिए तो ये वाला लुक भी एक बेस्ट हो सकता है, ये भी मेरी खुद की पिक है। तो ये वाला लुक जब मैंने कैरी किया था सबको बहुत पसंद आया था, तो इसलिए मैंने कुछ कुछ अपनी पिक्स यहाँ पे इंक्लूड कर दी हैं। यू नो अभी अगर ब्राइड भी हैं तो ब्राइड के लिए भी काफ़ी फंक्शन होते हैं, इंगेजमेंट हो गया आपका, शादी तो है ही, उसके बाद रिसेप्शन हो गया, गोद भराई, इस तरह से कई फंक्शन हो जाते हैं। फ्रेंड इससे पहले ये मेरा विदाउट मेकअप है, अगर आपको बहुत ज़्यादा हैवी नहीं करना है,
आप दुल्हन की फ्रेंड हैं या भाभी हैं तो आप सिंपल आप एक बड़ा टीका लगा के और अपने इयरिंग कुछ ना पहने तो वो थोड़ा एक डिफरेंट लुक देता है। आप ऐसे भी ट्राई कर सकते हैं। एंड आप देख रहे हैं ना कि लाइट कलर है लेकिन कितना ऑसम लग रहा है। इसके साथ में आप इस तरह की ज्वेलरी मैचअप कीजिए। एंड अगर आपको बहुत ज़्यादा हेयर स्टाइल थोड़ा डिफरेंट चाहिए तो अपने बाल खुले रखिए, कर्ल कीजिए। एंड गले में जिसे इन्होंने हैवी एक लुक कैरी किया है, इस तरह से आप कर सकते हैं। थोड़ा सा और डिफरेंट दिखना है आपको, अपने बालों के साथ एक्सपेरिमेंट करना है तो ये वाला हेयर स्टाइल मैंने अपने एक वीडियो में आपको बताया हुआ अभी। बहुत ही इजी सा है, कुछ नहीं करना है। कितना डिसेंट क्लासी लुक लग रहा है। चोकर ले लीजिए एक हैवी सा कुछ गले में एंड बस यू आर रेडी। एंड दिस वन इज़ ऑल्सो ऑसम। फ्रेंड्स मैंने यहाँ पे सभी सिलेक्टेड लुक आपके लिए क्रिएट किए हैं, नो क्रिएट नहीं किए हैं, बस शेयर किए हैं। आई होप आपको पसंद आई, क्योंकि अगर आपका टेस्ट है कि आपको लाइट वेट चाहिए तो ये दोनों लुक काफ़ी लाइट हैं। आप डे फंक्शन में भी इसको कैरी कर सकते हैं, नाइट फंक्शन में भी कैरी कर सकते हैं। एंड यहाँ पर सिल्वर ज्वेलरी भी काफ़ी ट्रेंड में है। अगर आपको डिफरेंट डिफरेंट लुक चाहिए डिफरेंट डिफरेंट ओकेजन के लिए तो डेफिनेटली आप इसको ट्राई कर सकते हैं। फ्रेंड्स यहाँ पे मैंने दो लुक और शेयर किए हैं, दिस वन एंड एक और है। आप अपने लिए कुछ पर्टिकुलर लुक चाहते हैं एंगेजमेंट के लिए तो ये काफ़ी अच्छा है, रिसेप्शन के लिए तो मुझे अच्छा लगा इसलिए मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, क्योंकि काफ़ी क्लासी एंड काफ़ी डिसेंट लगा तो मैंने कहा आपके साथ मैं शेयर कर दूँ। अगर आपको अच्छा लगे तो डेफिनेटली आप इनमें से कोई भी लुक कैरी कर सकते हैं। जब हमारा खुद का फंक्शन होता है तो बड़ी कन्फ्यूजन चलती है माइंड में कि कौन सा गेटअप करना है। और इस तरह की लुक की मैं बात करूँ तो ये ना बोलते ना सदाबहार वाली बात है, कभी आउट ऑफ फैशन नहीं होता। काफ़ी लाइट वेटेड साड़ियाँ होती हैं, जिनको साड़ी पहनना पसंद है या जिनको नहीं भी पसंद है तो उस तरह की साड़ियाँ तो सभी कैरी कर लेते हैं और काफ़ी अच्छी भी लगती हैं। एंड इस तरह की साड़ी भी काफ़ी ट्रेंड में है, हैवी ब्लाउज एंड बॉर्डर साड़ी। कुछ नहीं होता है कि आपका जो ब्लाउज है उसके ऊपर आपको कोई एक्स्ट्रा ज्वेलरी लेने की ज़रूरत नहीं है। आपने हैवी इयरिंग कैरी किए हैं एंड आपने ऊपर बन बना लिया तो काफ़ी स्टाइलिश लुक देता है। आप एज अ गेस्ट अटेंड कर रहे हैं कोई शादी फंक्शन तो वहाँ पर एक अनारकली शूट का जो ऑप्शन है वो काफ़ी अच्छा हो सकता है, तो आप इसको ट्राई कर सकते हैं। एंड ये वाला लुक बहुत ही क्लासी अमेजिंग लगा मुझे। खुले बाल तो मुझे हमेशा ही पसंद आते हैं, हल्का सा कर्ल कर लो उनमें, थोड़ा सा डिफरेंट लुक दे दो तो काफ़ी प्यारा लगता है। तो ये कलर कॉम्बिनेशन में देख रहे हैं ना बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है, काफ़ी सुंदर लगता है। एंड लाइट कलर भी अपने आप में अलग ही लगते हैं। अच्छा आप यहाँ पे हमने मैच किया साड़ी, जो ड्रेसअप है वो लाइट कलर में है एंड जो बैंगल है वो डार्क कलर में है, तो आप इस तरह से भी थोड़ा सा अपने आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं अपने लुक के साथ में, काफ़ी अच्छा लगता है। एंड सिंपल वही ना, अगर आप एज अ गेस्ट जा रहे हैं या फिर बहुत सारे फंक्शन है, आपने डे में कुछ और करना है नाइट में कुछ और करना है तो इस तरह के अनारकली सूट या फिर गाउन काफ़ी ज़्यादा एक अच्छा ऑप्शन हो सकते हैं। इसके अलावा ये वाला लुक भी बहुत अच्छा लगता है, लेकिन आपको इस तरह का बोल्ड ब्लाउज नहीं पहन सकते तो इस पर आप कोई अपनी पसंद का कोई भी स्लीव वाला ब्लाउज पहन सकते हैं। तो आज अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा एंड शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। आई विल सी यू सून माई नेक्स्ट वीडियो। बी पॉजिटिव, बी हैप्पी। टिल देन बाय बाय।